नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आम आदमी पर बढ़ने वाला है महंगाई का बोझ, महंगा हो जाएगा दही, लस्सी, छाछ, पनीर, शहद खरीदना। जॉब ढूंढने वालों के लिए कुछ खबरी, जुलाई से बढ़ने वाली है हायरिंग, 50% तक नई नौकरियों का दावा। कोयले की कमी के चलते लिया बड़ा फैसला, अब आपके घर हर हफ्ते आएगा बिजली का बिल, सरकार ने कंपनियों को दी मंजूरी। बंगाल सरकार ने ईवी और सीएनजी से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन सहित अतिरिक्त कर में छूट का किया ऐलान। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 2.19 लाख हेक्टेयर खराब जमीन को खेती लायक बनाएगी सरकार, किसानों की बढ़ेगी आमदनी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन मोड में बीजेपी, पीएम मोदी के तूफानी दौरों को लेकर पार्टी ने बनाई टीम। अब हीरो के बाद बढ़ेंगे बजाज टू व्हीलर्स के दाम, आपको अपनी फेवरेट बाइक के लिए देने होंगे 2000 रुपए ज्यादा। जिम्बाब्वे से दिल्ली लाई जा रही 500 करोड़ की हीरोइन बेंगलोर में जब्त, एनसीबी ने ड्रग माफिया समेत 9 को दबोचा। अब नकली खाद बीज और कीटनाशक बेचने वालों की अब खैर नहीं, कृषि सामग्री के हर लॉट से लिया जाएगा सैंपल। एसबीआई ने जारी किया नया टोल फ्री नंबर 1800-1234, अब घर बैठे फोन से निपटा सकेंगे कई जरूरी कामकाज। केंद्र सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल करनी चाहिए, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। देश में 88% वयस्क के लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की डबल डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। सीएम जयराम ठाकुर ने नशा नहीं जिंदगी चुनो अभियान का किया शुभारंभ, ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। इंसान धीरे धीरे बौने हो जाएंगे, टेंशन दे रही है नई रिपोर्ट, कहा 3.5 फीट तक रह जाएगी लोगों की हाइट। अब पेंशन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं, उम्र 60 साल और आय 2 लाख है तो अकाउंट में पहुंच जाएंगे पैसे, हरियाणा सीएम का ऐलान। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी रिव्यू पर लगेगी लगाम, सरकार जल्द ही विकसित करेगी खास फ्रेमवर्क। साल भर में दोगुने हुए 500 के नकली नोट, 2000 रुपए के जाली नोट 54.16% बढ़े, 50 और 100 रुपए के नकली नोट कम, आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, कहा किसानों की जरूरत के हिसाब से समितियों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सुरक्षा बलों को रखे तैयार, बागी विधायकों के घरों में तोड़फोड़ पर हाथ धरे बैठी रही मुंबई पुलिस, केंद्र से बोले राज्यपाल। G7 देशों ने रूस पर सख्त रुख अपनाने का किया फैसला, देश की तेल कमाई पर अंकुश लगाना मकसद। कुत्ता पालने के शौकीनों को अब पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन, बरेली नगर निगम ने जारी की वेबसाइट। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा अपने मित्रों को दौलतवीर और युवाओं को बना रहे हैं अग्निवीर। कितना मिल रहा है राशन, घर बैठे मिलेगी राशन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी, बस डाउनलोड करें मेरा राशन ऐप। किसान मंडी में कृषकों से अनाज नहीं खरीदने और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं मानने पर होगी FIR, सीएम ममता ने किया ऐलान। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन और अब संजय राउत, ईडी के घेरे में विपक्ष के कई बड़े नेता। हाईवे पर बिना फास्टैग के दौड़ेगी गाड़ियां, NH पर नजर नहीं आएंगे टोल, दूरी के हिसाब से कटेंगे रुपए, जल्द ही शुरू होगा ANPR सिस्टम। अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह का कार्य प्रारंभ होने से पहले होगा विशेष पूजन, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे रामनगरी। G7 के शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, सदियों तक झेली गुलामी, अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता को किया जा रहा है बर्बाद। भारतीय कृषि के लिए गेम चेंजर साबित होगा ड्रोन का इस्तेमाल, सशक्त होंगे देश के किसान, पीएम मोदी। बड़ी कामयाबी, स्मार्टफोन की मदद से लगा सकेंगे 50 से अधिक त्वचा रोगों का पता, त्वचा मुंह के कैंसर की पहचान भी होगी आसान। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीएम धामी ने लिया बड़ा एक्शन, कई स्थानों पर लगेंगे क्रैश बैरियर।
गुटबाजी की शिकार कांग्रेस की जगह लेने को बेताब दिख रही आप, रणनीति बना रहे हैं राजनीतिक दल। अग्निपथ योजना के खिलाफ उत्तराखंड में कांग्रेस का सत्याग्रह, स्कीम वापस लेने की मांग पर अड़े नेता और कार्यकर्ता। माफिया और अपराधियों के खिलाफ यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी, 100 दिनों में लक्ष्य से 1.5 गुना हुई वसूली। राजधानी दिल्ली में बगैर पीयूसी के वाहन चलाना पड़ेगा भारी, 10,000 का कट रहा है चालान। हरियाणा में नई ईवी पॉलिसी मंजूर, ईवी बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर मिलेगी छूट। घर बनाना होगा मुश्किल, सीमेंट की कीमत में 55 रुपए की बढ़ोतरी करेगी इंडिया सीमेंट्स। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार नौकरियां देने में नहीं छीनने में सक्षम, युवा ही तोड़ेगा उनके सत्ता का घमंड। संजय राउत की बागी विधायकों को चेतावनी, कहा शिवसेना सड़क और कानूनी लड़ाई दोनों के लिए तैयार। पीएम किसान योजना के तहत देश के 11.5 करोड़ किसानों को मिले 2,00,000 करोड़ रुपए, छोटे किसानों की आसान हुई जिंदगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, झारखंड में 18 साल बाद मिलेगी पुरानी पेंशन, 15 अगस्त तक शुरू करने का ऐलान। यूक्रेन को मिली अमेरिकी तोपों और हार्पून मिसाइलें, रूस के साथ लड़ाई तेज होने की आशंका। महिला कार्यकर्ता को सहमति के बिना सुबह 6 से पहले, शाम 7 के बाद काम के लिए नहीं कर सकते बाध्य, यूपी की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। बूस्टर डोज के रूप में कोर्बेवैक्स को अनुमति देने पर विचार कर सकता है टीकाकरण सलाहकार समूह, आज होगी बैठक। बिहार के जमुई में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार, खुदाई की तैयारी में नीतीश सरकार। दूध दही के अलावा मिलेगा अमूल की चक्की का ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक फूड मार्केट में उतरी कंपनी। वंदे भारत ट्रेन बनाने में खर्च होंगे औसतन 115 करोड़ रुपए, यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो SBI ने जारी किया नया टोल फ्री नंबर, अब घर बैठे फोन से निपटा सकेंगे कई कामकाज। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया टोल फ्री नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर की मदद से ग्राहक घर बैठे बैंकिंग ट्रांजेक्शन के काम निपटा सकेंगे। बैंकिंग से जुड़े काम के लिए ग्राहकों को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रहे कि नए टोल फ्री नंबर का फायदा वही ग्राहक उठा सकेंगे जिनका मोबाइल नंबर SBI में रजिस्टर्ड होगा। स्टेट बैंक ने एक ट्वीट में नए कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर की जानकारी दी है। ट्वीट में SBI ने लिखा है कि अब बैंकिंग की सभी चिंताओं को गुड बाय कहें। SBI के कॉन्टेक्ट सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1234 या 1800-2100 पर संपर्क करें। यह नंबर फोन बैंकिंग का है जिस पर कॉल करके बैंक से जुड़े कई काम घर बैठे निपटाए जा सकते हैं, जैसे अकाउंट बैलेंस और पिछले 5 ट्रांजैक्शन की जानकारी, ATM कार्ड ब्लॉकिंग डिस्पैच स्टेटस, चेक का डिस्पैच स्टेटस, TDS डिटेल और ईमेल के द्वारा डिपॉजिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आदि। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे पर बिना फास्टैग के दौड़ेगी गाड़ियां, NH पर नजर नहीं आएंगे, टोल दूरी के हिसाब से कटेंगे रुपए, जल्द ही शुरू होगा ANPR सिस्टम। जी हाँ, हाईवे पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की अब जरूरत नहीं होगी, न ही आपको यह चिंता करनी होगी कि 5 किलोमीटर के सफर में आपको पूरा टोल देना पड़ेगा। अब जल्द ही राजस्थान से निकलने वाले हाईवे हाईटेक होने वाले हैं, इन पर जल्द ही ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम लागू होने वाला है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। राजस्थान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बना रहा है जहां एक भी टोल बूथ नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि व्हीलर्स के ओनर को उतने ही रुपए देने होंगे जितना वह हाईवे पर चला है। इसकी शुरुआत राजस्थान से गुजरने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पर बढ़ने वाला है महंगाई का बोझ, महंगा हो जाएगा दही लस्सी छाछ पनीर शहद खरीदना। जी हां, आम आदमी पर जल्द ही महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। दही लस्सी छाछ पनीर शहद मछली और मीट समेत कई चीजों की कीमतें बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक GST काउंसिल की बैठक में इन प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली छूट को हटाने का फैसला हो सकता है। GST काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगुवाई में आज होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक GST काउंसिल 15 चीजों पर छूट को खत्म कर सकती है, इनमें लस्सी छाछ पापड़ ओट्स बाजरा और कुछ सब्जियां शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले की वजह को समझाते हुए पैनल ने तर्क दिया है कि ऐसी छूटें ब्रांडेड टर्म की वजह से झगड़े और रेवेन्यू के नुकसान की वजह
बन रही थी। पैनल ने इस बात पर ध्यान दिया कि कुछ राज्यों में ऐसी चीजों पर जीएसटी की पहले की व्यवस्था के मुकाबले रेवेन्यू में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह है कि जीएसटी के तहत छूट का दायरा घट गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हीरो के बाद बढ़ेंगे बजाज टू व्हीलर्स के दाम। आपको अपनी फेवरेट बाइक के लिए देने होंगे 2000 रुपए ज्यादा। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प के बाद अब बजाज ऑटो भी ग्राहकों को बड़ा झटका देने जा रही है। बजाज ऑटो जल्द ही अपने दो पहिया वाहनों की कीमतों में 2000 रुपए तक का इजाफा करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया जा रहा है। इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपने दो पहिया वाहनों की कीमत को बढ़ाने का ऐलान किया था। कंपनी ने अलग अलग मॉडल्स पर यह कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया था। कंपनियां लगातार बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर रही है। बजाज ने ऐलान किया है कि चिप शॉर्टेज और लागत बढ़ने के कारण वो अपने दोपहिया वाहनों की कीमत को बढ़ाएगी। इससे पहले टीवीएस, हीरो, मारुति जैसी वाहन बनाने वाली कंपनियां भी दामों में इजाफा कर चुकी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।